रामनवमी के पावन पर्व पर सुल्तानगंज बाजार कमेटी की ओर से विशाल फूल बंगला और प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। सुल्तानगंज पुलिया स्थित प्राचीन माता के मंदिर की विशेष मान्यता है, जिसके उपलक्ष्य में वरिष्ठ समाजसेवी और भाजपा पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट के नेतृत्व में यह धार्मिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए पार्षद मुरारी लाल गोयल सेवा आगरा की संस्थापिका सुमन गोयल ने कहा कि रामनवमी का बड़ा ही पवित्र मौका है। इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी कामना करते हैं कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और चारों ओर खुशहाली आए। कार्यक्रम के दौरान बाजार कमेटी के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने वहां से गुजरने वालों को प्रसादी का वितरण किया और माता रानी को नमन किया। नवरात्र के पावन पर्व पर घर घर में माता रानी का जागरण, माता रानी की पूजा, कंजकों का पूजा और उनको चरण धुला करके उनको प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। और सभी लोग, आज अष्टमी का दिन है, सभी यहाँ चावन भैया के मंदिर में फूल बंगला लगाया गया है सुल्तानगंज चौराहे पर, और उनके पास हलवा और चने का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैं माता रानी से सभी के लिए मनोकामना करती हूँ कि माता रानी सबके दुख दूर करें, सबका मंगल करें, कोई भी संसार में दुखी ना रहे। नवरात्रों का पर्व हमारे त्वार के महीने में मनाया जाता है, एक चैत के महीने में मनाया जाता है। तो दोनों ही नवरात्रों में लोग बड़े जोर शोर से और बड़े उल्लास के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। देश के पूरे हमारे भारत में ये नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। और दसवीं के दिन जो दशहरा चलता है और रावण का दहन होता है, तो ये जो रामलीला का जो पर्व चलता है वो राम बारात से ही शुरू हो जाता है और इसी के चलते हुए ये नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्रों के पावन पर्व पर जहाँ पूरा राष्ट्र, पूरा देश माता की भक्ति में, माँ की आराधना में, माँ की पूजा में हर परिवार जन जन घर घर लगा और माता की प्रार्थना से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सभी पूजा में लगकर माँ से अपनी आराधना कर रहे हैं, माँ से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर। पूरे भारत देश में नवरात्रि के पावन पर्व पर जगह 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 माता के गुणगान हो रहे हैं, माता की चौकी हो रही है, देवी जागरण हो रहे हैं, जगह जगह प्रसाद वितरण हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ सुल्तानगंज बाजार कमेटी के तत्वाधान में यहाँ चामुंड माता के मंदिर पर एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ हर भक्त हर राहगीर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो माता से मांगता है माता उसका मनोकामनाएं पूर्ण करती है, क्योंकि ये माता का मंदिर इतना प्राचीन है कि यहाँ किसी की भी मांगी हुई मुराद खाली नहीं जाती, उसकी मुराद पूरी होती है। क्योंकि सच्चे मन से जो भी माता की पूजा करता है और माता से जो मांगता है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। आज माता का यहाँ फूल बंगला लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, माता के यहाँ पूजा आराधना करके यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। राहगीर यहाँ से जो भी निकल रहा है वो प्रसाद लेके जा रहा है, माँ के दर्शन करके जा रहा है। निश्चित ही हर व्यक्ति की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैं माँ से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश में जन जन की प्रार्थना मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके कष्टों को भरना माँ, सबके कष्टों को दूर करना माँ, सबके ऊपर कृपा करना, ऐसी मेरी माँ से मनोकामना है, माँ से प्रार्थना है कि सबके कष्ट भरो हे माँ और सबके कष्टों को दूर करो माँ। ये माँ से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ और माँ सबकी मनोकामनाएं सबके कष्टों को हरेगी। जय।